महानगर में हर तरफ क्रिसमस की धूम दिखाई दे रही है। शहर के लगभग दो दर्जन चर्चों में मंगलवार सुबह से ही विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं, जहां पर हजारों की संख्या में लोग अपने परिवार के साथ पहुंचकर कैंडल जलाकर तथा कैरल गाकर अपनी आस्था प्रभु ईसा मसीह में प्रकट किए। प्रार्थना सभाओं के बाद यहां पर आए लोग खुशी को पूरी तरह से एंजॉय करके सेलिब्रेट किए। इन गिरजाघरों में आने वाले सभी धर्मों के लोग शामिल रहे और वे भी इस खुशी को अपने परिवार के साथ मनाया। महानगर के सेंट जोसेफ क्राइस्ट चर्च में लोगों ने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए रीना गुप्ता, नीलू यादव और रजिया शौकत ने कहा। कोई भी है कुछ नाच ना इसलिए परमेश्वर के सुसमाचार को हम आपको पहुंचाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं जन्म के समय आप जो है वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा बचा दिए गए हैं। लोग हम सब या सेफ हम लोग बचे हुए लोग उसे विश्वास है अपने पापों से पश्चाताप करें और ऐसा करते हैं जो क्लबों में नाच दारू पीते हैं और अच्छे अच्छे खाने खाते हैं पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ा के परमेश्वर की सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं वो स्वर्ग पृथ्वी का और समस्त दृश्य मदृश्य वस्तुओं का करता है। हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र सब युगों से पहले पिता से उत्पन्न परमेश्वर से परमेश्वर ज्योति से ज्योति सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर कृत नहीं वरन उत्पन्न है उसका पिता का तत्व एक है उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वो स्वर्ग से उतर आया पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो वाली मरियम से जन्मा और मनुष्य बना पैंतीस के शासन में वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया उससे दुख होगा वो मरा और गाड़ा गया और विश्वास के कथन के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठा वो स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं वो प्रभु और जीवन दाता है वो पिता और पुत्र से निकलता है पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वो नबियों के द्वारा बोला हमें पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरितीय कलीसिया पर विश्वास करते हैं। आमीन। मंडली पे बैठ जाए परिधियों के साथ संतुष्ट होंगे। उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं बेरोजगार हैं भूखे प्यासे हैं आ जाओ
गुप्ता। हम जो है सवेरे मतलब हर त्योहारों की तरह इसको, जैसे अदर लोग भी जो कोई त्योहार होता है उसको अच्छी तरह से मनाते हैं, इसी तरह इसका भी इंजॉयमेंट उसी तरह हो जाता है। आज के लिए मतलब स्पेशल में क्या होता है कि क्रिश्चियन चाहे जो भी हो यहाँ चर्च में आते हैं और प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं, और जो भी प्रेयर किया जाता है वो लगभग मतलब सबको मिल जाता है। नीलू यादव, यहाँ पे आके हम प्रेयर करके और कैंडल जला के सेलिब्रेट करते हैं। आज सबसे ज़्यादा ये है कि आज का पूरा दिन जो है मैं अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करूँगी, बहुत खुशी मिलती है यहाँ पे आके प्रार्थना करके, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। लोगों को अपील करेंगे कि जिस तरह से क्राइम बढ़ा है आप लोग उस क्राइम को कम करने में सहयोग करें और शांति बनाए रखें। यीशु का भी यही संदेश था कि वो पूरे विश्व में शांति बनाए रखें। रजिया सुल्तान, मैं तो बहुत अच्छा से सेलिब्रेट कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और मैं यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ और बी ए सेकेंड ईयर की, और हॉस्टल में रहती हूँ, देवरिया की रहने वाली हूँ। और हम यही अपील करना चाहें कि आज हमारा देश बहुत क्राइम में चल रहा है और यहाँ जो जनता है वो करोड़ों कई जनताएँ भूखे सोती है, बच्चे गरीब भूखे सोते हैं, और ठंडी के लिए उनके पास कपड़े नहीं होते हैं। फिर ये ईसा मसीह चाहते थे कि सभी एक साथ रहें, मिल के रहें, अच्छा से रहें ताकि देश का विकास हो सके।